नमस्कार। हर साल पितृपक्ष पर पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। इन दिनों में पिंडदान, तर्पण, हवन और अन्नदान मुख्य होते हैं। ये सप्ताह पितरों को समर्पित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं कराते उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध से पितरों को शांति मिलती है, वे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार को प्राप्त होता है। हालांकि इस साल मोक्षदायिनी गया की धरती पर पिंडदान नहीं किया जा सकेगा, इसलिए आप सभी तरह के कर्म कांड व दान आदि अपने घर पर रह कर कर सकते हैं। पितृपक्ष वह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राप कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे पितर नाराज हो जाते हैं तो देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई प्रकार के संकट हमें घेर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष 2020 में कब है। पितृपक्ष 2020 प्रारंभ और समाप्ति तिथि। पितृपक्ष प्रारंभ तिथि 1 सितंबर 2020। पितृपक्ष समाप्ति तिथि 17 सितंबर 2020। पितृपक्ष 2020 लिस्ट।